श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज से पंडित जी की बुरहानपुर में अश्वत्थामा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है, जिस कथा में पंडित जी ने कई सारी विशेष बातें और कई सारे विशेष उपाय बताए हैं। तो दोस्तों, आज की कथा की हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आज जो बुरहानपुर में जो पहले दिन की अश्वत्थामा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हुई है, इस कथा में ही जो बुरहानपुर का कथा पंडाल है वो पूरा भरा चुका है। इतना भरा चुका है कि मतलब जितना कथा पंडाल बनाया गया था वो बहुत ही बड़ा बनाया गया था, वो पूरा तो फुल भरा ही गया था। साथ ही में लोग धूप में बैठे हुए थे, रोड पर बैठे हुए थे। पहले दिन की कथा में ही यही हाल है, तो आप सोच सकते हैं कि अभी तो पूरे 7 दिन बचे हुए हैं, मतलब पूरे 6 दिन बचे हुए हैं, तो कितने सारे भक्तगण यहाँ पर इस शिव महापुराण कथा को सुनने आने वाले हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश बुरहान, आप भी बुरहानपुर कथा की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, वहाँ की तस्वीरें लेना चाहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर क्या क्या होता है अगर सभी कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारे एक नया चैनल है प्रदीप मिश्रा व्लॉग्स के नाम से, जिसकी फ़ोटो हम साइड में डाल देंगे। आप इस चैनल को सर्च करके वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी हम आप वहाँ पर जो है पूरी कथा की पूरी जानकारी सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या होता है इस कथा में सब कुछ डालते हैं, तो आप उस चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कथा की विशेष जानकारी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में क्या क्या बताया, क्या विशेष जानकारी आज की कथा में दी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पंडित जी ने ये बात बताई है कि अगर आपने अभी इस जन्म में किसी का पैसा कुछ खा लिया है, किसी से धोखा करके किसी से कुछ पैसा ले लिया है और आप उस पैसे को वापस नहीं लौटाना चाह रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि उस पैसे को आपको अगले जन्म में उसे कई गुना करके मतलब बढ़ाकर लौटाना पड़ेगा। कि पंडित जी ने इस बात का जो है उदाहरण देते हुए एक कहानी सुनाई थी, जिस कहानी में उन्होंने जो है ऐसी बात बताई थी कि किसी व्यक्ति ने जो है किसी का जो पैसा है वो खा लिया था, 70,000 रुपये खा लिया था और उसे अगले जन्म में 70 करोड़ रुपये जो है उसे चुकाना पड़ा था। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों, अगर आप इस जन्म में किसी का कुछ पैसा खा रहे हैं, किसी का कुछ पैसा बेईमानी से ले रहे हैं, तो आपको वो नहीं लेना है, उसे इसी जन्म में लौटा देना है, वरना अगले जन्म में वो आपको उसी पैसे को 10 से 100% ज़्यादा मतलब गुना बढ़ाकर लौटाना पड़ेगा। ये बात पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बताई है। उसके बाद में दोस्तों, पंडित जी ने जो अगली बात बताई है वो ये बताई है कि सारी समस्या का जो हल है वो एक ही लोटा जल है। अगर आप लोग एक लोटा जल प्रतिदिन नियम के साथ शिव जी पर चढ़ाने जाते हैं तो आपके जीवन में कोई दुख समस्या आ ही नहीं सकती है। बस शर्त यह है कि आप जब शिव जी पर जल चढ़ाएं तो उस समय आपके मन में कपट नहीं होना चाहिए, मन में छल नहीं होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए और पूरे मन और पूरे भाव पूरे दिल से श्रद्धा से आपको शिव जी पर प्रतिदिन एक लोटा जल चढ़ाना है। ठीक है, और प्रतिदिन ना भी चढ़ा पाएँ, आपकी कोई मजबूरी है, वैसे तो प्रतिदिन ही चढ़ाना चाहिए, पर कोई मजबूरी है तो सोमवार के सोमवार तो आप एक लोटा जल चढ़ा ही सकते हैं ना। और अगर सोमवार के सोमवार भी एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते तो भाई पूरे महीने में एक दिन आती है शिवरात्रि, और भाई इस फरवरी के महीने में तो महाशिवरात्रि आ रही है, तो भाई बस महाशिवरात्रि के दिन तो जल चढ़ा सकते हो ना। एक लोटा जल इतना भाव से लेकर जाओ कि आपके जो है पूरे साल की जो है भगवान उससे आपसे खुश हो जाए। ठीक है, तो पूरे मन और पूरे भाव से आप महीने में एक बार ही अगर जा रहे हो तो पूरे मन से जाओ और एक लोटा जल शिव जी पर चढ़ा कर आओ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, पंडित जी ने जो अगली बात बताई है वो ये बताई है कि आज की कथा में कई सारे पत्र आए हैं और हर पत्र में जो है सिर्फ शिव जी पर चढ़ा हुए जल का आचमन का जो है यहाँ पर विशेष महत्व बताया गया था। और आज का एक ऐसा पत्र आया जिस पत्र के बारे में पंडित जी ने ये बात कही कि ऐसा पत्र तो भाई अभी तक किसी भी कथा में नहीं आया है। उस पत्र में ये लिखा हुआ था कि भाई किसी माता को जो है यहाँ पर गठान हो गई थी, जिस गठान से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो गठान जो है बिना ऑपरेशन या बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं निकल सकती थी, पर सिर्फ शिव जी पर चढ़ा हुआ जल और शिव जी के आशीर्वाद से वो गठान खुद शिव जी ने ही निकाल दी। और उस गठान को लेकर वो माता जी जो है अपने पत्र में उन्होंने लगाया था पन्नी के साथ में कि ये देखिए ये वो गठान है जो कि शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाते हुए ही अपने आप निकल गई थी और शिव जी पर चढ़ा हुआ जल ही वो अपने घर लाई और उस स्थान पर लगा लिया, वो खून भी बंद हो गया, जो भी उन्हें वहाँ पर दिक्कत हो रही थी वो सब कुछ ठीक हो गया और वो गठान को जो है अपने पत्र में साथ में लगा कर लाई थी कि हाँ सभी लोगों को दिखा सके कि हाँ ये शिव जी का चमत्कार है और शिव जी पर चढ़े हुए जल का कितना बड़ा महत्व होता है वो आप सभी लोग देख सकें, है ना। तो ये बहुत ही बड़ा और विशेष पत्र आज की कथा में आया था, है ना। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं इस महीने में पड़ने वाली महाशिवरात्रि के कुछ विशेष उपायों के बारे में। अगर आप इन उपायों को इन महाशिवरात्रि पर कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों साल में सिर्फ एक बार ही ऐसी शिवरात्रि आती है जो कि महाशिवरात्रि होती है, जिसे हम साल की सबसे बड़ी महाशिवरात्रि भी कहते हैं। मासिक शिवरात्रि हर महीने आती है पर इस फरवरी के महीने में महाशिवरात्रि आ रही है, तो भाई कुछ विशेष कार्य आपको याद से विशेष रूप से ज़रूर करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो उपाय है वो क्या करना है आप लोगों को कि महाशिवरात्रि के दिन आपको
आपको जो है 3 जगहों पर शाम के समय प्रदोष काल में दीपक ज़रूर लगाना है। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर निश्चित ही रहेगा। माताओं बहनों से विशेष निवेदन है कि वो लोग तो भाई 3 जगहों पर ये जो दीपक हैं वो ज़रूर लगाएं, ठीक है। तो महाशिवरात्रि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको करना क्या है कि 3 दीपक तैयार करने हैं जो कि गोल पाते के होने चाहिए, ठीक है। उनमें आपको घी डालना है। घी डालने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको इन 3 दीपक को तैयार करके, आपने आटे का भी ले सकते हैं, मिट्टी के ले रहे हैं तो नए लेना है, ठीक है। और आटे का तो नहीं ही बनते हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि आटे के ही आप लोग 3 दीपक बना लें। उनमें गोल पाती रखकर घी डाल लीजिए और इन 3 दीपकों को लेकर सबसे पहला जो जगह रहेगी आपकी वो रहेगी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब देखिए, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई हमारे पास बेलपत्री का वृक्ष नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। तो भाई देखो, अगर आपको उपाय को सही से करना है और भगवान शिव जी को प्रसन्न करना है तो कहीं पर भी जाओ, आप थोड़ी मेहनत तो कर सकते हो ना। थोड़ी मेहनत करोगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो वृक्ष है वो बेलपत्री का वृक्ष रहेगा। तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए, वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले दीपक जला दीजिए। दीपक जलाने के बाद अपनी झोली फैलाइए, भगवान शिव जी, माता पार्वती और माता लक्ष्मी जी का जो है आशीर्वाद लेके उनका स्मरण करके भगवान जी से प्रणाम कर लीजिए, उनका आशीर्वाद ले लीजिए, ठीक है। पहला दीपक आपने लगा दिया, अब दूसरा दीपक आपको लगाने कहाँ पर जाना है वो आप लोग सुनिए। अब दूसरा दीपक आपको लगाने जाना है शिव जी के मंदिर में, ठीक है। आपके घर के आसपास जो भी शिव जी का मंदिर हो, आपके घर के आसपास ही जो भी बेलपत्री का वृक्ष हो, जो भी शिव जी का मंदिर हो, वहीं पर आपको जाना है, ठीक है। तो आपके घर के आसपास जो भी शिव जी का मंदिर हो, दूसरा दीपक वहाँ पर लेकर जाना है, ठीक है। 3 दीपक अपने साथ में लेकर चलना, पहला वहाँ पर लगाना, फिर वहीं से दूसरा दीपक शिव मंदिर में जाकर जलाना है, ठीक है। शिव जी के आसपास जला सकते हो या तो शिव जी की चौखट पर बैठ कर जला सकते हो, ठीक है। और 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके भगवान जी को प्रणाम करके वहाँ से निकल सकते हो। अब जो तीसरा दीपक आप लोग जलाओगे, वो जलाओगे आप लोग आंवले के वृक्ष के नीचे, ठीक है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, आंवले के वृक्ष के नीचे तीसरा दीपक जला के वहाँ पर भी अपनी झोली फैलाकर भगवान से प्रार्थना करके अपने जो है जो भी मनोकामनाएं आप चाहें तो बोल सकते हैं, अन्यथा बिना मांगे ही आपको सब कुछ इस उपाय को करने से मिल जाएगा, ठीक है। तो महाशिवरात्रि के दिन इन 3 जगहों पर दीपक लगाकर देखो, आपको खुद चमत्कार देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों, अब अगले उपाय की बात करते हैं। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन आप बेलपत्री को कुछ इस क्रम से चढ़ा सकते हैं, जिस क्रम से बेलपत्री को चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ से आप जो मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि बेलपत्री लेना है, ठीक है। एक मिल जाए तो एक ही बहुत है, पर कोशिश करना कि 11 या 21 या 51 या 101 या 108 जितनी आपको मिल जाए, एक भी हो तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर उपाय जो है 11, 21, 51, 108 या 101 बेलपत्र के लिए। तो आपको करना क्या है दोस्तों, जब आप, जैसे कि उदाहरण के लिए हम 11 बेलपत्री ले रहे हैं, आप 21 ले सकते हैं, 51 ले सकते हैं, 108 ले सकते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए हम 11 बेलपत्री लेते हैं ना, तो 11 बेलपत्री आप अपने साथ रखकर शिव जी के मंदिर जाइए और अपने साथ पीला चंदन रख के थोड़ा सा लेकर जाइए, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि यह 11 बेलपत्र को शिव जी के ऊपर एक एक करके चढ़ाना है। कब जाना है, प्रातःकाल सुबह सुबह आप शिव जी पर जल चढ़ाने लेकर गए, वो सब चढ़ा दीजिए, चढ़ाने के बाद ही इस उपाय को शुरू करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि 11 बेलपत्र को एक एक करके पहले चढ़ा दो, ठीक है। पूरी 11 नहीं चढ़ानी है, 10 बेलपत्र चढ़ा देनी, पहले एक श्री शिवाय नमः स्तुभ्यम बोलकर एक बेलपत्र चढ़ा दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे करके आपको 10 बेलपत्र श्री शिवाय नमः स्तुभ्यम बोलकर चढ़ा देनी है। अब जो 11वीं बेलपत्र रहेगी ना, उस पर आपको रुक जाना है। अब जो आप अपने साथ पीला चंदन लेकर आए ना, उस पीले चंदन से या तो इस 11वीं बेलपत्र पर एक टीका लगा दो, या तो ओम लिख दो, या स्वस्तिक बना दो, ठीक है। कुछ भी करो, पर एक जो है आप लोग उस पीले चंदन से कुछ ना कुछ भाग जरूर बनाओ उस बेलपत्री के ऊपर। अगर पीला चंदन नहीं है तो एक चावल का दाना अपने साथ रख लो, पूरा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, एक चावल का दाना जो है उस 11वीं बेलपत्र के साथ रख कर जो है शिव जी पर चढ़ा दो, ठीक है। अगर आप को जो है यहाँ पर मतलब 11 बेलपत्र मिल रही है तो 11 लीजिए, 21 मिल रही है तो 21 लीजिए, 51 मिल रही है तो 51 लीजिए, 108 मिल रही है तो 108 लीजिए, ठीक है। पर सभी की जो आखिरी बेलपत्र है उस पर आपको ये काम जरूर करना है, चंदन या एक चावल का दाना रखकर अपनी मनोकामना करके समर्पित कीजिए, बहुत ही विशेष फल की यहाँ पर आपको प्राप्ति होगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, हम आपको अब जो है महाशिवरात्रि का एक बहुत ही विशेष यहाँ पर उपाय बताने जा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, इस दिन अगर हो सकता है तो आप 108 चावल के दाने अपने घर से गिनकर लेकर जाइए शिव जी के मंदिर में, साथ ही में एक लोटा जल, जो भी आप शिव जी की पूजन अर्चना करने के लिए लेकर जा रहे हैं वो साथ में लेकर जाइए, ठीक है। और उसके साथ में 108 चावल के दाने अपने घर से गिनकर लेकर जाइए, एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। और शिव जी के मंदिर पहुँचिए, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाइए, अपनी पूजन अर्चना कीजिए, उसके बाद शिव जी के पास में बैठिए। बैठने के बाद दोस्तों, 108 चावल के दाने जो आप अपने साथ लेकर आए हैं, इन 108 चावल के दानों को गिन लीजिए अच्छे से, मतलब देख लीजिए। और देखने के बाद दोस्तों, करना क्या है कि शिव जी के पास में बैठकर ही 108 चावल के दानों को एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरे 108 चावल के दाने शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं, ठीक है। एक साथ नहीं चढ़ाने, एक साथ चढ़ाओगे तो फिर उतना फल नहीं मिलेगा, एक एक करके 108 चावल के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाना है। इससे आपको बहुत ही विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। एक साथ भी चढ़ा सकते हैं, पर उतना फल अगर आपको ज़्यादा चाहिए, भगवान शिव जी को बहुत जल्दी प्रसन्न करना
चढ़ाना है तो एक एक करके चढ़ाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चढ़ाओ। निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना होगी भगवान बिना मांगे आपकी जो है वो मनोकामना पूर्ण कर देंगे, है ना। तो दोस्तों ज़रूर करके देखिए, बहुत ही विशेष फल यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। और दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों बेर चढ़ाने का एक बहुत ही विशेष महत्व होता है। अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल भर आपके घर में कभी भी कोई रोग बीमारी प्रवेश ना करे या आपके ऊपर कभी कोई रोग बीमारी ना, आपके शरीर के अंदर आपके घर परिवार के सदस्यों के शरीर के अंदर कोई भी बीमारी प्रवेश ना करे, तो उसके लिए बस शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक बेर महाशिवरात्रि के दिन समर्पित कर दो। और समर्पित करने के बाद भगवान से अपनी जो है कामना बोल दो कि भगवान शिव हमारे घर में कभी कोई रोग बीमारी प्रवेश ना करें, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बहुत ही विशेष महत्व है, ठीक है। अब दोस्तों बेर आपको इस मौसम में बहुत आराम से मिल जाएगा, ठीक है। कोई सा भी बेर हो, बस बेर होना चाहिए, कच्चा हो पक्का हो। बेर अगर आप लोगों को मिल गया, और कोशिश करना वो ताज़ा बेर हो, है ना, पहले का रखा हुआ बेर ना हो, ताज़ा बेर हो। ताज़ा बेर बढ़िया तोड़ के लाओ या कहीं से भी लाओ और उसे शिव जी पर जाकर चढ़ाओ, ठीक है, और भगवान से विनती करके अपने घर आ जाओ। महाशिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का विशेष महत्व है और निश्चित ही आपको इसका फल भी देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद में अगर आपसे ज़्यादा कुछ ना हो सके महाशिवरात्रि के दिन, तो एक लोटा जल चढ़ा सकते हो तो चढ़ा दो, एक बेलपत्र, एक लोटा जल भी ना हो तो एक बेलपत्र हो तो वो भी चढ़ा दो, अगर हो आपके पास, नहीं हो तो एक चावल का दाना चढ़ा दो या तो एक हरे मूंग का दाना चढ़ा दो, जो आपको मिल रहा है उस दिन भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए वो चढ़ा दो, या भगवान शिव जी के जो है सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से श्रृंगार कर दो। कुछ भी करो पर भगवान शिव इस दिन आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बस दोस्तों यही सब जानकारियाँ पंडित जी ने अपनी आज की जो है अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा की पहले दिन बुरहानपुर में बताई थी। अब आपको जो भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।